एम्पलीफायर को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एसी सोर्स रिक्वायर्ड हो। हमें मालूम है एसी सोर्स से जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हमें जहाँ पर सर्किट में एसी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले अल्टरनेटिंग करंट के सिग्नल को इनहेंस करना हो, मैग्नीफाई करना हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि हम एसी सोर्स के साथ एक एम्पलीफायर लगा देते हैं। इस तरीके से सर्किट में इसे कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे भी कि हम लोग किस तरीके से इसे कनेक्ट करते हैं। हम एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर देते हैं। अब ये एम्पलीफायर क्या करता है कि जो एसी सोर्स से करंट पर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है उसे ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है इस तरीके से। तो सर्किट में जहाँ पर भी हमें रिक्वायर्ड हो कि एसी सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोगों ने इन्हेंस करना हो, उसे काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करना हो, तो वहाँ पर हम लोग एम्पलीफायर यूज़ कर लेते हैं। एम्पलीफायर की बहुत ज़्यादा टाइप होती हैं। हम लोग जो है कॉमन बेस एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कॉमन बेस यूज़ कर लेते हैं, या हम लोग कॉमन एमिटर यूज़ कर लेते हैं। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यूज़ कर लेते हैं, या हम लोग जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूज़ कर लेते हैं। ये तीनों टाइप्स के एम्पलीफायर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये भी हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इसी तरीके से ये हमारे पास कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, और इसी तरीके से हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर है। इनके अलावा जो है हमारे पास वोल्टेज एम्पलीफायर भी होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर। इसके अलावा हम लोग जो है पावर एम्पलीफायर भी यूज़ कर लेते हैं सर्किट्स के अंदर। अभी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे टाइप्स हैं, हम लोग एम्पलीफायर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं। इसे हम लोग समीशन वगैरह, एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम डिफरेंट इनपुट और आउटपुट जो है इसे प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट इसको वोल्टेज देते हैं। इसका इनपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है, डिफरेंट इसके अंदर जो है हम लोग अरेंजमेंट्स करते हैं, और फिर एम्पलीफायर को एज अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आगे हम लोग जो है कंपेरेटर और नाइट स्विचेस वगैरह बनाते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस वगैरह बनाते हैं हम लोग एम्पलीफायर से। अब हम लोग एम्पलीफायर के काम करने का तरीका देख लेते हैं। बेसिकली हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं एम्पलीफायर की, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं एम्पलीफायर की। कॉमन बेस एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, लेकिन हम लोग एम्पलीफायर के लिए ज़्यादातर कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। अब कॉमन बेस एम्पलीफायर हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमें मालूम है कि अगर फॉर एग्जांपल और कॉमन बेस एम्पलीफायर में ना हम लोग जो ट्रांजिस्टर की टाइप यूज़ करते हैं वो NPN ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। ये ट्रांजिस्टर की NPN टाइप यूज़ करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने ट्रांजिस्टर देखे थे, कि जहाँ पर कॉमन बेस भी आ जाता है, कॉमन एमिटर भी आ जाता है, कॉमन कलेक्टर भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि आज हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो कॉमन बेस एमिटर एम्पलीफायर है। ये कॉमन बेस बल्कि हमारे पास सॉरी कॉमन बेस है, यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए कि हम लोग जो है कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा बेस हो गया, इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये बेस है, ये हमारे पास जो है कलेक्टर है, और ये एमिटर है। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि हम लोग NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास P हो गया, ये N और ये N। NPN का मतलब यही होता है कि P मिडल में आ रहा है। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर तो कंप्लीट हो गया, हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर की कौन सी टाइप है, NPN ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो P है इसके साथ हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम लोग RB का नाम दे देते हैं, चूँकि ये बेस की रेजिस्टेंस है। अब इसके साथ हम लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज भी प्रोवाइड करना है, चूँकि हम लोगों को यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करना है। तो हमें मालूम है कि अगर बेस और एमिटर के दरमियान हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं तो हमें वो वोल्टेज इस तरीके से देना चाहिए कि हमें इसे जो है फॉरवर्ड वायर बनाना चाहिए। यहाँ से भी हम एक वायर ले लेते हैं और उस वायर को हम लोग यहाँ तक ले आते हैं, और इस वाले हिस्से को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं कि ये हमारी लोड रेजिस्टेंस RB है, जो कि रेजिस्टेंस बेस की रेजिस्टेंस है, उसे यहाँ पर लगा दिया। अब हम लोगों को जो है वोल्टेज अप्लाई करना है। ये P टर्मिनल है, हमें मालूम है कि P के साथ वो वाला टर्मिनल लगता है जो पॉजिटिव होता है बैटरी का, और N के साथ वो लगता है जो नेगेटिव होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है फॉरवर्ड बायस्ड कर लिया, और ये वाला जो वोल्टेज है हमारा, इसे हम लोग कह देते हैं कि ये VBE है, चूँकि ये एमिटर और बेस के दरमियान है इसलिए इसे VBE कह देते हैं। और ये वो वाला वोल्टेज है जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि इनपुट वोल्टेज हो गया।
अब उसके बाद हम लोगों को कलेक्टर और एमिटर को भी तो कोई ना कोई फंक्शन देना है। हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने आर भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, इसी तरह हम कलेक्टर के साथ भी एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस आर सी है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ एमिटर से और कलेक्टर से भी एक फंक्शन देना है, चूँकि उनके दरमियान भी हम लोगों को बैटरी कनेक्ट करनी है। तो ये हमारा एमिटर है और ये हमारा कलेक्टर है, तो इन्हें हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट करना है कि एन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाए और पी के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाए, ताकि ये वाली जो साइड है ये हमारे पास रिवर्स्ड बायस बन जाए। अब ये वाला जो वोल्टेज है ये हमारा बेसिकली आउटपुट वोल्टेज होगा, जो कि वी सी सी के इक्वल है, यानी कि ये कलेक्टर का वोल्टेज है, जिसे हम लोग वी ओ कह सकते हैं, और ये वी सी सी भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इस तरीके से कह सकते हैं, बल्कि इस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि ये वी सी ई के अक्रॉस जो है हमारा वोल्टेज है। ये वाला वोल्टेज तो हमारा वी सी और ई के दरमियान ही है, तो इसे हम लोग सी और ई वोल्टेज ही कहेंगे। और यहाँ पर एक और वोल्टेज अप्लाई कर देंगे हम लोग, यहाँ पे एक और बैटरी लगा देते हैं हम इस तरीके से, और उस वोल्टेज को, उस बैटरी को हम लोग कह देते हैं कि ये वाली जो है वोल्टेज, ये वी सी सी वोल्टेज है, चूँकि ये सी के अक्रॉस है तो इसे वी सी सी कहेंगे, और ये वाला वोल्टेज चूँकि सी और ई के अक्रॉस है तो इसे वी सी सी वोल्टेज कहेंगे। हम लोगों ने आर बी के अक्रॉस जो है अपना इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया है। अब जैसे ही यहाँ से करंट पास करता हुआ बीटा अभी बेस के अंदर जाता है, तो बेस के अंदर क्या होता है, बेस से बीटा टाइम मैग्नीफाई कर देती है, और बीटा के बारे में हमें मालूम है कि ये हमारे पास बीटा जो है ये आई सी ओवर आई बी के जो है रेशो होती है। अब जैसे ही बेस के अंदर जाते हुए ये बीटा टाइम्स का फैक्टर आ जाता है, मतलब कि बीटा टाइम्स करंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो बीटा का फैक्टर है ये बेस कलेक्टर को प्रोवाइड कर देती है। अब ये जो बीटा है ये कलेक्टर के करंट के अंदर एड अप हो गई है, और कलेक्टर के साथ हमारे पास यहाँ पर आर सी रेजिस्टेंस लगी होती है, जिसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आई सी करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वो आउटपुट वोल्टेज जो है हम लोगों को मिलता है आई सी इंटू आर सी के प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से आई सी करंट जो है वो आर सी के क्रॉस गुजरते हुए हमें आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। आर बी का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हम इसके अक्रॉस अपना इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और आर सी वो काम करता है जिसके अक्रॉस हमारा आउटपुट सिग्नल या आउटपुट फंक्शन जो है वो हमें अपेयर होकर मिलता है। तो इस तरीके से आर बी का फंक्शन ये होता है और आर सी का फंक्शन ये होता है। जब आर सी का फंक्शन ये है तो उसके साथ से जैसे ही करंट फ्लो करता है तो वो हमें आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। अगर अब मैं इस फंक्शन की बात करूँ जिसमें हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलता है, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है बेसिकली यही हमारा वोल्टेज गेन होता है। अब हम इसे देख लेते हैं कि हमारा वोल्टेज गेन हमें मिलता किस तरीके से है। हमें मालूम है कि ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ यहाँ पर हमारे पास एमीटर लगी हुई है, एमीटर के साथ हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आर सी है जो कि कलेक्टर की रेजिस्टेंस है, उसके साथ हम लोगों ने एक बैटरी लगाई है जो कि कलेक्टर के साथ अटैच थी, जिसे हम लोगों ने वी सी सी कहा है। अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा इस तरीके से बना लूँ कि ये मेरे पास इस तरीके से, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर सी है, आर सी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने अपना कलेक्टर और एमीटर कनेक्ट किया है, ये कलेक्टर है, ये हमारे पास एमीटर है, इन दोनों को कनेक्शन देकर हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास वी सी सी बैटरी है। ये इस तरीके से ये हमारे पास वी सी सी बैटरी आ गई। तो ये वी सी सी बैटरी जो है बेसिकली ये हमें वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करती है। अभी जो हमारा वोल्टेज आउटपुट है वो हमें वी सी सी बैटरी ने दिया है, जो कि हमारे पास इस बैटरी इस चीज़ की वोल्टेज और इसकी वोल्टेज के इक्वल आता है। बेसिकली हमारे पास दो वोल्टेज के सम से हमारे पास वोल्टेज आउटपुट आता है। ये जो बैटरी है ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है रेजिस्टेंस को भी, और यही बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है कलेक्टर और एमीटर को भी। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ कि वी आई जो वोल्टेज है वो अक्रॉस आर सी है, तो मैं इसे वी आर सी के इक्वल लिख सकती हूँ, और वी टू जो वोल्टेज है अक्रॉस कलेक्टर और एमीटर है, तो इसे मैं वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर और एमीटर लिख सकती हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन दो चीज़ों के दरमियान डिवाइड हो रहा है, रेजिस्टेंस आर सी को भी वो वोल्टेज मिल रहा है, और वो वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर को भी मिल रहा है। अगर मुझे कलेक्टर और मीटर के वोल्टेज के बारे में रिलेशन चाहिए कि इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो मैं वी सी से किस तरफ जाके वी आर सी को माइनस कर सकती हूँ। वी आर सी जो कि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस आर सी के अक्रॉस वोल्टेज है, तो आर सी के अक्रॉस अगर किसी चीज़ के अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज निकालना हो तो उसके करंट इंटू उसकी रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आर सी के हम लोगों को मालूम है कि ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जाहिर सी बात है हम लोगों को मालूम है कि कोई ना कोई करंट आई सी जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को वी आर सी के बारे में पता चल जाता है कि ये आई सी इंटू आर सी के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर आई सी इंटू आर सी लगा दूँ
तब भी मेरा ये जो फंक्शन है ये एज इट इज ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। अब मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को वी नोट का नाम दे देती हूँ, मतलब कि मैं कह देती हूँ कि वी सी ई जो है वो वी नोट के इक्वल है और वी नोट जो है वो वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी के इक्वल है। ये हमारी मेजर इक्वेशन इक्वेशन ए होगी। अब हमें इतना मालूम है कि बेस के अंदर जो करंट एंटर होता है उसे आई बी कहते हैं, कलेक्टर के अंदर जो करंट एंटर होता है उसे आई सी कहते हैं और एमीटर के करंट को आई ई कहते हैं। हमारे पास ना तो आई बी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और ना ही आई सी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि अगर हम लोग बीटा का फंक्शन लें तो बीटा हमें बताता है कि ये आई सी डिवाइडेड बाई आई बी के इक्वल है। तो अगर मुझे आई सी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसे बीटा टाइम्स आई बी के इक्वल लिख सकती हूँ। अब बीटा इंटू आई टी को मैं इस इक्वेशन में अगर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास जो वी नोट की इक्वेशन है वो वी सी सी माइनस यहाँ पे बीटा टाइम्स आई बी इंटू आर सी आ जाता है। तो इस तरीके से आई सी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन निकल आई, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया है कि मेरे पास आई बी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। आगे जो हमारा इनपुट लूप है, ये हमारा इनपुट लूप भी था और एक हमारा आउटपुट लूप भी था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो लूप्स हैं, एक ही हमारे पास इनपुट लूप हो गया, ये हमारा आउटपुट लूप हो गया। अब इनपुट लूप के अंदर हमारे पास वी बी बी बैटरी लगी हुई है जो कि रेजिस्टेंस आर सी के साथ लगी हुई है, ये हमारे एमीटर और बेस के साथ कनेक्टेड है। अब इसी सर्किट को हम लोग जिस तरह से हमने कलेक्टर के सर्किट को बनाया है उस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो सर्किट प्रोवाइड किया गया है वो सर्किट इस तरीके से है कि ये आर बी रेजिस्टेंस है, आर बी के साथ यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी को हम लोगों ने कहा है कि ये वी बी बैटरी है जो कि बेस के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाकर बेस है और बेस के साथ यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, इस तरीके से ये एमीटर है और इस तरीके से हमारा ये सर्किट जो है क्लोज हो जाता है। अब अगर मैं इसे इस तरीके से बनाऊँ जैसे कि हम लोगों ने कलेक्टर के केस पर बनाया था, फॉर एग्जांपल मैं इसे इस तरीके से बना रही थी, यहाँ पे जस्ट बैटरी है, ये हमारी वी बी बैटरी है और इसके साथ जो है यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस आर बी बी है, ये रेजिस्टेंस आर बी है और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे बेस और कलेक्टर हमारे पास एमीटर और बेस है, बेस और एमीटर इस तरीके से दोनों कनेक्टेड है। अब हमारे पास जो इस चीज़ का वोल्टेज है वो भी इन दोनों वोल्टेज में ही डिवाइड हो रहा है। अब इस सर्किट में हम लोग बेसिकली करंट आई बी के बारे में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो आई इंटू आर के इक्वल होगा, मतलब कि बेस के करंट इंटू बेस के रेजिस्टेंस। ये जो बेस की रेजिस्टेंस है ना, हमें मालूम है कि बेस तो बहुत ही हाईली डॉप्ड होता है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत कम होगी। इस रेजिस्टेंस आर बी को हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस आई ई से, हम लोग इसे कह देते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस आई ई है और ये हमारे पास बेस करंट होता है जो कि आई बी इंटू आर आई ई के इक्वल है और ये चीज़ हमारे पास जो है वोल्टेज के इक्वल आ जाती है। और ये जो वोल्टेज है हमारे पास बेसिकली बी ई वोल्टेज है, क्योंकि हम लोगों ने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वी बी बी और जो हमारा इनपुट वोल्टेज था वो दोनों बी बी ई के ही इक्वल हैं। जो हम लोगों ने बैटरी में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सर्किट के अंदर जो हम लोगों ने बैटरी दी है उसका वोल्टेज भी उतना है और इसका वोल्टेज भी उतना है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वी बी बी जो है वो बी ई के इक्वल है। यहाँ पे वी बी बी को हम लोगों ने वी बी ई के इक्वल लिख लिया है जो कि आई बी इंटू आर आई ई के इक्वल है। तो अगर मुझे बेस के करंट के बारे में रिलेशनशिप चाहिए तो अब वो मैं किस तरीके से बता सकती हूँ कि ये मेरे पास वी बी ई डिवाइडेड बाई आर आई ई के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से मुझे बेस के करंट के बारे में रिलेशनशिप मिल जाती है। अब इस चीज़ को जो है मैं अपनी इक्वेशन ए के अंदर पुट कर लेती हूँ जो कि मेरे पास थी वी नॉट इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस बीटा टाइम्स आई बी इंटू आर ई आर आर सी, हमारे पास ये वाला रिलेशन था, ये हमारी इक्वेशन ए थी। अब इसके अंदर आई बी की वैल्यू जो मैंने पुट करनी है तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से कि वी नॉट इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस बीटा टाइम आई बी की जगह मुझे यहाँ पे वी वी ई लगाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई आर आई ई इंटू आर सी। तो ये मेरे पास जो है मुझे आई बी करंट के बारे में भी पता चल जाता है और आई सी करंट के बारे में भी पता चल जाता है और बीटा जो है वो आई बी जो है बीटा हमें मालूम है कि वो आई सी डिवाइडेड बाई आई बी के रिलेशनशिप से आता है। तो जब आई बी और आई सी के बारे में पता चल गया तो हमें बीटा के बारे में भी पता चल जाता है। अब जैसा कि हमें मालूम है कि फिजिक्स में हम लोग अपने काम को आसान करने के लिए, अपनी इक्वेशन को इजी बनाने के लिए एक टर्म को दूसरी टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी नोट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे वी नोट प्लस डेल्टा वी नोट, यानी कि वी नोट और उसके अंदर जितना चेंज आया उसका एडिशन। और जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वी बी ई यानी कि कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज, उसे हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास वी बी ई प्लस डेल्टा वी आई के इक्वल कर देंगे। अब हमारी मेजर इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन ए है वी नॉट इज इक्वल्स टू वी सी सी माइनस हमारे पास आ गया था आई बी
आई बी की जगह बल्कि हम लोगों ने वैल्यू निकालनी थी जो कि हमारी इक्वल आई थी वी बी ई डिवाइडेड बाई आर आई ई, और यहाँ पर हमारे पास आई बी था जिसकी जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर ली थी, और यहाँ पर हमारे पास बीटा का साइन था और यहाँ पर हमारे पास आर सी था। तो ये बेसिकली हमारी मेजर इक्वेशन ए थी। अब हमने क्या करना है कि हमने कहा कि हमने एक टर्म दूसरी टर्म को एक टर्म से रिप्लेस करना है, मतलब कि वी नॉट को हम लोगों ने रिप्लेस करना है इन टर्म से। तो जैसे ही हम लोग रिप्लेस कर लेंगे तो वी नॉट की जगह हमारे पास डेल्टा वी नॉट आ जाएगा, वी सी सी ऐसे ही रहेगा, बीटा एज इट इज ही रहेगा, वी बी ई को हमने सेपरेट करके आर सी डिवाइडेड बाई आर ई कर लेती हूँ, और वी बी की जगह यहाँ पे वी बी ई प्लस डेल्टा वी आई लिख लेती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन बी आ गई। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं इक्वेशन ए और बी का सब्ट्रैक्शन लेना चाहती हूँ, मतलब कि मैं इक्वेशन बी के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ इक्वेशन ए को, तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, वी नॉट प्लस डेल्टा वी नॉट माइनस वी नॉट आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, जो कि हमारे पास इक्वेशन ए है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मुझे मालूम है कि मैंने बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मेरे पास वी सी सी माइनस बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर ई इंटू वी बी ई प्लस डेल्टा वी आई माइनस बीटा टाइम्स वी यहाँ पे वी बी ई डिवाइडेड बाई आर आई ई इंटू आर सी इस तरीके से आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या चीज़ होती है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन इस तरीके से, ये वी नॉट इस वी नॉट से कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर मेरे पास बीटा है बीटा आर सी जो कि इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे वी सी सी बचा है और यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वी नॉट बचा है, ये वी सी सी बच गया मेरे पास, और यहाँ पर भी बल्कि मेरे पास एक वी सी सी आता है, चूँकि मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया ना, तो मेरे पास माइनस वी सी सी और ये प्लस आ जाता है, ये वी सी सी इस चीज़ से भी कट जाता है, और बाकी मेरे पास अब जो फंक्शन बचेगा मैं उसे इस तरीके से कर लेती हूँ कि माइनस टाइम बीटा आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वोल्टेज बी ई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव साइन आ जाता है बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई और डेल्टा वी आई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके बाद मेरे पास जो साइन बचाता है वो बीटा टाइम्स वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ई इंटू आर सी के कला जाता है। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है इस पूरे के पूरे फंक्शन के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, और मेरे पास जो चीज़ बचती है वो मेरे पास बचती है बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई इंटू वी बी ई, ये चीज़ मेरे पास बच जाती है, और यहाँ पर मेरे पास जो है वी नॉट बच जाता है और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है, बल्कि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वी आई बचा है, तो यहाँ पर भी मुझे लिख देना चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वी आई है, बल्कि वी बी की जगह वी बी ई की जगह डेल्टा वी आई बच गया। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि ये डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा वी आई एक तरफ कर दूँ, और यहाँ पे बीटा टाइम्स माइनस एफ ई रहेगा आर सी डिवाइडेड बाई आर आई, तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन जाता है। हम इसे दोबारा देख लेते हैं कि हमने बात की थी कि वी नोट प्लस डेल्टा वी नोट है हमारे पास, जो कि इक्वल आ जाता है वी सी सी माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाई आर आई, और जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज बी ई आ जाता है उसके साथ हम लोगों ने डेल्टा वी आई लिख लिया था। ये हमारे पास इक्वेशन ए थी। हमने क्या किया, इसमें से हम लोगों ने इक्वेशन ए को, ये इक्वेशन बी थी, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को तो एज इट इज ही लिखा, इसके साथ इस इक्वेशन को रखकर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो बीटा का फंक्शन था वो वी बी ई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और डेल्टा वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये वी बी ई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, और जब डेल्टा वी आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तभी नेगेटिव साइन में आ गया, और इसके साथ चूँकि हम लोगों ने नेगेटिव का साइन लगाया था तो नेगेटिव की वजह से ये वाली चीज़ जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे मतलब बीटा वी बी ई डिवाइडेड बाई आर आई ई टू आर सी बचता है, जो कि इस फंक्शन से कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास जो चीज़ बचती है रिमेनिंग वो बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर आई इंटू डेल्टा वी आई के इक्वल बचती है। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास आई, इसे हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास वोल्टेज गेन है, और वोल्टेज गेन को हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिस हमारे पास वोल्टेज गेन है, जो कि हमारे पास वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज गेन है जो कि हमारे पास किस चीज़ के इक्वल निकलता है, ये जो हमारे पास ए बी है ये हमारे पास माइनस बीटा टाइम आर सी डिवाइडेड बाई आर आई के इक्वल निकलता है। ये आर सी जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा इसकी लार्ज वैल्यू होती है, ये हमारे पास 50 किलो ओम से लेकर जो है वो 100 ओम बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, और जो आर आई ई होती है ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया ना कि ये बेस की रेजिस्टेंस होती है, और बेस जो है बहुत ही कम डॉप्ड होता है, बहुत ही लाइटली डॉप्ड होता है, जब वो कुछ लाइटली डॉप्ड है तो उसके साथ हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे आर बी, जैसे हम लोगों ने कहा है कि ये आर आई ई के इक्वल है,
तो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम जो है 1 किलो ओम से 2 किलो ओम तक जाती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती। जबकि RC की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कलेक्टर के साथ लगी होती है, उसने एमीटर और बेस दोनों से आने वाले करंट को रिसीव करना होता है और हम लोगों को लास्ट को जो है फाइनल वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है, जिसके अंदर RC और IE का जो है RC और IC का जो है वो फैक्टर शामिल होता है। क्योंकि हमें मालूम था कि वोल्टेज आउटपुट IC इंटू RC की इक्वल है, तो RC जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होती है और उसके अंदर से करंट पास भी कर रहा होता है, तो हम लोगों को जो वोल्टेज गेन प्रोवाइड हो जाता है कि वोल्टेज गेन किस तरीके से आता है। इस वोल्टेज गेन के लिए हम लोगों ने IC का फैक्टर मालूम किया, IC के फैक्टर को मालूम करके हम लोगों ने IB के फैक्टर को मालूम किया और IB के फैक्टर से हम लोगों को ये रिलेशनशिप मिला। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास जो वोल्टेज आउटपुट आएगा वो वोल्टेज आउटपुट इस तरीके से आता है कि हमारे पास जो बीटा के अंदर से जैसे करंट गुजरता है तो वो करंट जो है वो कलेक्टर को एडअप हो जाता है कलेक्टर के करंट के अंदर, और कलेक्टर का करंट जैसे ही रेजिस्टेंस RC के अक्रॉस गुजरता है तो हमें वोल्टेज गेन V0 प्रोवाइड कर देता है। इस वोल्टेज गेन के मालूम करने के लिए हम लोगों के पास IC का होना ज़रूरी था, IC का हमारे पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले IB के रिलेशनशिप से IC को मालूम किया, और जैसे ही IC की वैल्यू पुट की तो इसमें IB का फंक्शन आ रहा था। IB के फंक्शन के लिए हम लोगों ने जो है इनपुट लूप को कंसीडर किया और इनपुट लूप से जो है IB के बारे में रिलेशनशिप निकाली, और IB के बारे में रिलेशनशिप निकाल के दो इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन से यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से हम लोगों को जो है वोल्टेज गेन मिल गया, जो कि V∆V0 ÷ ∆VI के इक्वल था, जिसे हम लोगों ने AV से रिप्लेस कर दिया, और ये हम लोगों को बीटा इंटू RC ÷ RIE के इक्वल जो है एक फंक्शन मिल गया। अब बीटा जो है हमें मालूम है कि यहाँ पे IC ÷ IB के जो है हमें इक्वल एक रेशो मिल जाती है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें गिवन होती है, RC की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है कि हम लोगों ने कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई किया वो 50 किलो ओम है 60 किलो ओम है या इससे बढ़कर है, और RIE की जो है बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू होती है 1 या 2 किलो ओम इसकी वैल्यू होती है, उसे अप्लाई करके हमें वोल्टेज गेन मिल जाता है। तो बेसिकली इस वोल्टेज गेन के लिए हम लोगों के पास IC के बारे में होना ज़रूरी था, इस पूरे के पूरे जो है इस प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने सारे के सारे काम को किया, ताकि हम लोगों को IC करंट के बारे में भी पता चल जाए, और IC करंट की वैल्यू जैसे ही पुट की तो IB के बारे में मसला निकल आया, और IB को सॉल्व करते हुए हम लोगों को जो है ये बेसिकली एक फॉर्मूला मिल गया, एक शॉर्ट सा फॉर्मूला मिल गया जो हमें ये बताता है कि वोल्टेज गेन जब भी हमें मालूम करना हो तो हम लोग बीटा लगा सकते हैं, हम लोग RC ÷ RIE की रेशो लगा सकते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे वोल्टेज गेन मिल जाता है।